बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम वालेकुम किसान भाइयों मैं हूं बिन्यामिन शौकत और आप देख रहे हैं किसान न्यूज आज का प्रोग्राम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के बारे में है हम आपको बताएंगे कि ये इंजेक्शन कितना खतरनाक है और आपके जानवरों को किस तरह बीमार कर सकता है और आपके जानवर इससे बीमार हो भी रहे हैं लेकिन आपको मालूम नहीं मेरे अक्सर किसान भाई मेरे इस प्रोग्राम से मेरी इस राय से मुतफिक नहीं होंगे लेकिन वो आपका अपना फैसला है हमारा काम आपको हकायक बताना है और एक ट्रू पिक्चर देना है ताकि आप अपने फैसला साजी में रीथिंक करें चीज़ों को कि जो आप कर रहे हैं वो दुरुस्त है या गलत तो आज हम आपको जो बड़े ख़तरनाक हकाइक हैं ऑक्सीटूसन इंजेक्शन के वो बताएंगे और इसका मुतबादल भी बताएंगे कि अगर आप ये इंजेक्शन ना इस्तेमाल करें तो इसके अलावा आप सेफ तरीके से कैसे जानवरों से दूध ले सकते हैं तो आप ये जानकर हैरान होंगे जो ऑक्सीटूसन का मतलब है वो सहूलतकारी और तेज़ी से एक काम करना है यहाँ तक तो बात ठीक है लेकिन जब हम इंसानी बच्चे की पैदाइश के वक्त जो इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है वो भी ऑक्सीटूसन फार्मूले का होता है और उसका मकसद ये होता है कि जो रहम है वो खुले और सकड़े बंद हो और खुले ताकि बच्चा आसानी से बाहर निकल सके तो इंसान वाला जो फार्मूला है वो हम जानवरों में इस्तेमाल करते हैं और आप ये देखें कि इंसान में एक दफ़ा इस्तेमाल होता है यानी औरत में और जानवर में हम हर बार ये इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करते हैं सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स ने जब खातन में लेबर पेन लगवानी होती है तो उस वक्त ऑक्सीटूसन का इंजेक्शन दिया जाता है आप ये देखें कि हम जानवर के साथ इतना ुलम करते हैं कि उसे हर रोज़ वो पेन लगाते हैं हर रोज़ वो उस कर्ब से गुजरता है हर रोज़ वो उसको तकलीफ होती है उस पेन की जो इंसान एक दफ़ा लेता है तो उसको लगता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ थी कुदरती तौर पर जब गाय का बच्चा थनों को मुंह मारता है तो उस वक्त जो लिक्विड फार्मूलेशन होती है वो भी ऑक्सीटोसन की होती है तो उससे कुदरती तौर पर जो दूध है वो उतरता है तो जब हम ये बच्चा उसका माइनस करते हैं तो फिर हमें इस इंजेक्शन का इस खतरनाक जहर का सहारा लेना पड़ता है जानवर का दूध निकालने के लिए इंतहाई अफसोसनाक बात है कि इंजेक्शन बैन होने के बावजूद पाकिस्तान के हर शहर हर गांव हर मोहल्ले से मिल जाता है जहां कहीं आपको जानवर नजर आएंगे ये इंजेक्शन भी नजर आ जाएगा तो हती के अनपढ़ किसान जिसको नाम भी नहीं लेना आ रहा होता वो भी जाके कह देता है कि दूध देने वाला इंजेक्शन दे दें तो किसान को ये लग रहा होता है कि ये बुनियादी तौर पर दूध देने वाला इंजेक्शन है लेकिन वो इससे लाल है कि ये दूध देने वाला जहर है इंजेक्शन नहीं है किसान दो तीन वजूहत की बिना पे इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं जो उसमें बड़ी वजह है वो ये है कि दूध बचाया जा सके बछड़ा या कटरा बेच देते हैं और दूध बचाने के लिए आ, ये इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि कटरा बछड़ा तो अब है नहीं तो अब इंजेक्शन से ये दूध निकाला जाए तो इससे जो मदर की आइंदा की पोटेंशियल थी वो हम कम कर रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इससे जानवर का दूध भी कम हो रहा होता है क्योंकि जो तकलीफ वो बर्दाश्त करता है जानवर एक तो आ, सुई की तकलीफ है जो उसके जिस्म में गई है दूसरा इसकी तकलीफ है जो उसने लेबर पेन टाइप लगा के दूध उतारना है जानवर का उसकी अपनी एक तकलीफ है और बात लोग थन पसमाने की बजाय अगर बच्चा नहीं है गाय या भैंस का तो उसका थन हाथों से पसमाया जा सकता है वो टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट इंजेक्शन लगा दिया जाता है कि ये सबसे आसान हाल है जानवर जाए भाड़ में हम अपना टाइम बचाएं और दूध निकालें और जान छुड़ाएं तो ये बहुत ज़्यादा है जब हम किसान को ये चीज़ बताते हैं उनके फार्म पे जाके या कभी कहीं हम देखें तो उसको जब बताते हैं तो वो कहता है जी मैं दस साल से लगा रहा हूँ आज तक नहीं ये मरा जानवर तो मेरा ये सिंपल सा जवाब है अगर आप लोगों को समझ आ जाए कि इसीलिए आज हम रो रहे हैं कि हमारी जो साई वाल गाय जिसकी पोटेंशियल 20 से 25 लीटर है वो 8 लीटर 7 लीटर दे रही है और जो हमारी भैंस है वो भी उसकी भी जेनेटिक पोटेंशियल 10-12 लीटर है वो भी 4-5 लीटर दे रही है तो ये ये वो वजूहत हैं जिनकी बिना पर हम अपने जानवर खराब कर रहे हैं ऑक्सीटोसन लगाते जाए दूध लेते जाएँ और आहिस्ता आहिस्ता दूध कम होता जाएगा तो यही कुछ हो रहा है आप देख लें हमारा कितने कुछ जानवर हैं जो 20 uh, लीटर से ज़्यादा दूध दे रहे हैं फिर हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं जानवर क्या हम अब दूध की कमी पूरी करें और वो जो बाहर की में, में हम ले आते हैं वो यहाँ आके बीमार हो जाती हैं तो अब हमारा किसान कश्मकश का शिकार है उसको ये समझ नहीं आ रही कि, कि करना क्या है तो जनाब जो कुदरती तरीका है उसी पे ही आएंगे तो ये मसले हल होंगे अदरवाइज तो टोसिन इंजेक्शन लगाते जाएं और आता आता दूध कम करते जाएं और एक वक्त आएगा कि ये जानवर जो है हमें कहेंगे कि अब हम दूध नहीं दे सकते मसला सिर्फ उस जानवर का नहीं है जिसको आपने वो इंजेक्शन लगाया है मसला यह है कि उसने जो बच्चा देना है आगे उसके भी जेनेटिक्स में वही चीज घुस चुकी है इंजेक्शन लग लग के तो उसकी जो खसूसियात हैं मदर की वो उस बच्चे में आ चुकी है के लिए कैसे तो उसके जो पेन है वो एक उसको प्रॉब्लम है क्योंकि इसके इस्तेमाल से यूट्रस सुखटती और फैलती है जो बजाते खुद एक तकलीफ दे अमल है इस वजह से यह एक गैर इखलाकी तरीका है और जानवर को तकलीफ देने के बराबर है इस इंजेक्शन के सुबह शाम बेदरेग इस्तेमाल की वजह से पैदा होने वाली सुबह शाम की यूट्रस की जो कंट्रैक्शन है इससे आहिस्ता आहिस्ता जानवर भांज हो जाता है और वो फिर आगे बच्चा देने की सलाहियत से महरूम हो जाता है आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे जानवर जो हैं वो कंसीव नहीं करते अगर करते भी हैं तो वो आ, आ, या बच्चा फेंक देते हैं या फिर बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वो यही वजह होती है कि आहिस्ता आहिस्ता टॉक्सिन ने अपना काम दिखाया होता है और वो बाद में जानवर को भांज कर देता है एक और बड़ा फैक्ट है हकीकत है कि हमारे जो जानवर है पचास फीसद से ज्यादा मिस्टाइटिस का शिकार है यानी साड़ू हो चुका है उनको साड़ू ये होता है कि चारों थन एक बराबर नहीं रहते किसी में दूध कम आ रहा होता है किसी में ज्यादा होता है कोई थन लंबा हो जाता है कोई छोटा होता है जैसे ये उंगलियां बराबर नहीं है उसी तरह ये थन जो है जानवर के छोटे बड़े हो जाते हैं या जख्म भी हो जाते हैं उनसे खून आना शुरू हो जाता है तो ये भी जो हम इंजेक्शन लगाते हैं दूध के लिए ऑक्सीटोसन ये उसकी वजह से ही होता है मोस्टली हमारे जानवर जो मेस्टाइटिस का शिकार हो रहे हैं या साड़ू का शिकार हो रहे हैं वो इस इंजेक्शन की वजह से हो रहे हैं ये तो वो ज्यादियां हैं जुल्म है जो ऑक्सीटूसन इंजेक्शन लगाकर हम जानवर के साथ करते हैं आइए अब आपको मैं बताता हूँ कि ये दूध ऑक्सीटूसन इंजेक्शन से निकाला गया दूध जब इंसान पीते हैं तो उनमें किस किस तरह के प्रॉब्लम होते हैं आपने अक्सर सुना होगा अगर नहीं सुना तो किसी डॉक्टर के पास जाए आ, और खास तौर पर गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएं जो लेडी डॉक्टर होती है वो उससे पूछें कि औरतों में किस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इवन मर्दों में भी आ रहे हैं लेकिन औरतों की शरह ज़्यादा वो आपको बताएगी कि इस वक्त जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो हमारी बच्चियों में ज़्यादा हो रही हैं वक्त से पहले बच्चियाँ जवान हो रही हैं अभी हाइट पूरी नहीं है एज पूरी नहीं है लेकिन बच्चियाँ जवान हो गई हैं तो उसका सारे का सारा जो जिम्मा है ये हमारे ऑक्सीटोसन वाले दूध पे आता है हमारी बाकी गज़ाएं भी हैं हमारा जो पोल्ट्री का गोश्त है वो भी इसमें सरे फरिश्त है बाकी भी केमिकल वाली चीज़ें शामिल हैं लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो ये दूध है ये दूध पीने से ये केमिकल वाला दूध होता है और ऐसा इंजेक्शन लगा है जानवर को जिसका काम ही जो ये हारमोन्स है उनको उभारना है तो जब वो बच्चियाँ दूध पीएंगी तो नेचुरली उनके हारमोन टाइम से पहले जो हैं वो उभरेंगे और वक्त से पहले बच्चियाँ जवान होंगी और ये हारमूनल डिजीज़ इन्हें कहते हैं वो और भी इसके अलावा भी पेचीदा जो मसाइल होते हैं खातिन के वो इस वजह से ज़ाहिर हो रहे हैं इसके अलावा ये देखें कि हमारे बच्चे इस वक्त स्टनिंग ग्रोथ में यानी उनकी ग्रोथ रुक चुकी है और जहाँ एक वक्त में पाकिस्तान का एवरेज कद आ, छह फीट से थोड़ा कम था अब वो तीन चार इंच कम हो गया है, जो जो हमारे अब नस्ल हमारी और दस साल बाद जवान होगी, तो उनके एवरेज जो हैं वो कम होंगे हम हमारी वाली जनरेशन से तो उसकी वजह भी सिंपल ये है कि उनको जो खालिश दूध है बच्चों के लिए दूध एक बुनियादी खुराक है तो जब शुरू से ही बुनियादी खुराक उनको ठीक नहीं मिलेगी तो वो ऑब्वियसली बड़े होकर उस तरह कद काट नहीं करेंगे बच्चों के चेहरे पीले हैं येलो पेल नज़र आएंगे आपको उस तरह सुर्खी माइल नहीं है जिस तरह होने चाहिए इसी तरह बच्चों में और भी प्रॉब्लम्स हैं जो बूढ़े हैं जब वो दूध पीते हैं तो उनमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं फिर एक जो मैदे का कैंसर है वो इससे बढ़ रहा है जिगर का कैंसर इससे बढ़ रहा है इस तरह की बहुत सी बीमारियां हैं जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन वाले दूध के ज़रिए इंसानों में मुंतकिल हो रही हैं हैं। तो खुदारा इस जुल्म को रोकें आ, कोशिश करें कि जो बच्चे हैं गाय और भैंस के वो उनके साथ रहें अगर नहीं रह सकते तो जो मिल्किंग मशीन होती है मिल्किंग uh, पार्लर भी जिसे कहते हैं छोटी मशीनें भी मिल जाती हैं सिंगल जानवर वाली भी मिल जाती है वो भी जब आप लगाएंगे तो उसमें भी ऑटोमेटिकली uh, जिस तरह बच्चा uh, सक करके दूध निकालता है उसमें भी उसी तरह की कशिश होती है तो उसमें पंप लगा होता है वो थनों को जब ऐसे ऐसे हल्का हल्का सा मसलता है तो वो दूध उतर आता है तो तब भी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की uh, ज़रूरत नहीं रहती तो तीसरा हाल ये अगर ये मशीन भी नहीं ले सकते किसान तो पाँच मिनट बैठ के जानवर को पसमा लें जैसे हमारे बुजुर्ग पहले पसमाया करते थे जानवर को पसमाते थे फिर उसका दूध निकालते थे तो इस तरह जानवर भी खुश और जो दूध पी रहा है वो भी खुश और आप भी अल्लाह के मुजरम भी नहीं बन बन रहे इंसानों के मुजरम भी नहीं बन रहे तो खुदा रहा इस ऑक्सीटोसन वाले जहर को जानवरों में मत फैलने दें इसको रोकें आल्टरनेट मुतबादल मौजूद हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं तो कोशिश करें कि इस ये जो जुल्म हो रहा है जानवरों के साथ इंसानों के साथ हमारे बच्चों के साथ हमारी बच्चियों के साथ उसमें आप शर्क ना हों जो जो ये वीडियो देखें खुदा इसको दूसरे दोस्तों तक पहुँचाएँ और ये जो जुल्म है इसको रोकें इसके साथ ही बिनिया शौकत को इजाजत दीजिए खुदा हाफिज़